हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एवा एक्वाटिक नेचर पर। और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का टॉपिक जो है बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज का टॉपिक जो है वो है हाउ टू केयर वाइट स्पॉट्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपने फिश पर लगे वाइट स्पॉट्स को आप बिना किसी मेडिसिन के क्योर कर सकते हो। तो हम इस पूरी वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप अपने वाइट स्पॉट को क्योर कर सकते हो अपने फिश से। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाए और कमेंट करना मत भूलिए। जितना मुझे कमेंट करेंगे उतने इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाते रहूँगा। तो बिना वक्त जाए के अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वाइट स्पॉट जो है बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, हर फिश को होता है। और दोस्तों, वाइट स्पॉट जो है ज़्यादातर ठंडियों के मौसम में आता है, विंटर सीजन में आता है वाइट स्पॉट्स। तो दोस्तों, जब भी वाइट स्पॉट्स अपने फिश के ऊपर आ जाता है, आपकी फ़िश जो है वो सिक हो जाती है और जल्दी मरना शुरू हो जाती है। दोस्तों, ये जो डिज़ीज़ है, एक फिश से दूसरी फिश को लग सकता है डिजीज़। तो आप एक बात का ध्यान रखें, अगर आपकी गोल्ड फिश सफरिंग है तो प्लीज़ उसे मेन टैंक में ना ट्रीट करें, आप उसे सेपरेट टैंक बनाएं। अगर आप उसमें उसी के टैंक के अंदर आप उसे क्योर करेंगे तो दूसरे फिश को भी लगने के चांसेस है। तो दोस्तों, ये जो वाइट स्पॉट्स होते हैं वो ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन्स इन फूड होता है, इसकी वजह से, और ठंडे पानी की वजह से ये वाइट स्पॉट्स होते हैं। दोस्तों, जब ये वाइट स्पॉट्स होते हैं तो आपकी फिश स्ट्रेस हो जाती है, एक ही जगह पर बैठी रहती है, खाना नहीं खाती है और ज़्यादा एक्टिव नहीं होती है। दोस्तों, वाइट स्पॉट्स को इच के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब वाइट स्पॉट्स आपकी फ़िश के ऊपर आता है तब आपकी फ़िश जो है अपने एक्वेरियम में ग्रेवल्स पर या फिर प्लांट्स पर अपनी बॉडी रब करते हैं, जिससे कि अपनी फ़िश को चोट पहुँच सकती है। और दोस्तों, ये जो डिजीज़ है जल्दी क्योर नहीं होता है, अगर आप इसे क्योर नहीं करोगे तो ये आपकी फ़िश को मार सकता है। दोस्तों, वाइट स्पॉट जो 4 से 5 दिन तक आपके फ़िश के ऊपर से नहीं जाता है, अगर आप इन फिश को 2 से 3 दिनों के अंदर क्योर नहीं करते हो तो आपकी फ़िश मर सकती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं वाइट स्पॉट्स होता कैसे है और कैसे अपने एक्वेरियम में आ जाता है और इसकी प्रॉब्लम्स क्या है आपके फ़िश पर। तो दोस्तों, वाइट स्पॉट जो है वो तब आता है जब आपका टेम्परेचर इनकरेंट टेम्परेचर हो अपने एक्वेरियम में। दोस्तों, अगर आप प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते हो अपने टेम्परेचर को तभी ये वाइट स्पॉट्स होता है। और अगर आपका वाटर क्वालिटी बैड हो, अगर ख़राब वाटर क्वालिटी हो तभी भी वाइट स्पॉट्स आपकी फ़िश पर आ सकती है। और जब आप न्यू फिश लाते हो खरीद के दुकान में से तभी भी एक फ़िश पर वाइट स्पॉट्स आ सकते हैं। और जब आप इन फिश को प्रॉपरली अपने एक्वेरियम में इंट्रोड्यूस नहीं करते तभी भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, ये ठंडे पानी से होता है, एक विंटर सीजन में ज़्यादातर होता है ये प्रॉब्लम वाइट स्पॉट्स। दोस्तों, अगर आप इस डिजीज़ को अवॉइड करना चाहते हो तो आपको कंपलसरी आपको एक हीटर की ज़रूरत है, विदाउट हीटर आप इस डिजीज़ को क्योर नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। जब ये आपके फिश पर होता है तो क्या सिम्टम्स आपसे जो सिम्टम्स आप देख के आपके फ़िश को पहचान सकते हो कि ये फ़िश को वाइट स्पॉट्स हो चुके हैं। दोस्तों, ये जो वाइट स्पॉट्स आपके फ़िश पर आ जाते हैं तो आपके फ़िश के जो पर है वो गलना शुरू हो जाते हैं, कट हो जाते हैं और आप एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जब वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं आपके फ़िश के जो फिन्स है और जो एक दूसरे से जॉइंट हो जाते हैं, और आप अपने फिश के फिन्स पर आप देख सकते हो और उनके बॉडी पर कि वाइट डॉट्स आ जाते हैं अपने फ़िश के ऊपर। और जो मेन जो रीजंस है जिसे कि आप पहचान सकते हो है जब आपकी फ़िश अपने एक्वेरियम ग्रेवल पे या फिर प्लांट्स पे या फिर डेकोरेशन पर अपने सेल्फ को रब करेगी तभी आप समझ सकते हो कि इस फिश को वाइट स्पॉट्स है और आप इस फिश को ट्रीट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक मेन टॉपिक के ऊपर, वो है हाउ टू क्योर इट इन नेचुरल ट्रीटमेंट। दोस्तों, अब मैं कुछ ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ, बहुत ही नेचुरल है, विदाउट एनी मेडिसिन आप इस डिज़ीज़ को क्योर कर सकते हो। तो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, इसका जो ट्रीटमेंट है बहुत ही ईजी ट्रीटमेंट है, लेकिन आपको ये 7 दिनों तक करना पड़ेगा। अगर आप इस ट्रीटमेंट को 7 दिन तक नहीं करते हो तो आपकी फ़िश से वाइट स्पॉट्स आप नहीं निकाल पाओगे, इसलिए आपको 7 दिन तक ये प्रोसेस आपको कंटिन्यूसली करना है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है हॉट एंड सॉल्ट वाटर ट्रीटमेंट। दोस्तों, अगर आपके पास मेडिसिन टैंक है तो आप उस मेडिसिन टैंक में इस फिश को
रख सकते हो या फिर आप उसी टैंक में आप ट्रीट कर सकते हो। मैं सजेशन करूँगा कि आप एक मेडिकल टैंक कीजिए हर फिश के लिए, अगर आपकी फ़िश बीमार तो उसमें आप उस फिश की ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपना जो हीटर का टेम्परेचर है आप 30 तक आपको रेस करना है आपका हीटर टेम्परेचर। और आप एक बात का ध्यान रखिए, आप सडनली टेम्परेचर चेंज ना कीजिए, इसकी वजह से आपकी फ़िश स्ट्रेस में आ सकती है और उसे शॉक लगने के कारण आपकी फ़िश मर सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको हर 2 घंटे या फिर 3 घंटे के बाद 29 से 30, 30 से 31 ऐसे आपको करते जाना है, जैसे कि आपकी फ़िश को भी ज़्यादा शॉक ना लगे और आपकी फ़िश इस टेम्परेचर में सूटेबल हो। और दोस्तों आपको मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि मेडिसिन बहुत जल्दी आपकी फ़िश को सिक कर सकता है। तो जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, आप सडनली टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि इससे आपकी फ़िश सिक हो सकती है। दोस्तों जब आप अपने हीटर का टेम्परेचर 30 करते हो तो उसके बाद आपको उसमें एक्वेरियम सॉल्ट यानी कि रॉक सॉल्ट आप उसमें यूज़ कर सकते हो, और आपको ज़्यादा मात्रा में एक्वेरियम सॉल्ट या फिर रॉक सॉल्ट यूज़ नहीं करना है। आप इसे 20 लीटर पर स्पून के हिसाब से आप डालिए, ये करेक्ट होगा, क्योंकि 20 लीटर पर स्पून से आपकी फ़िश को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचेगा, क्योंकि आप ज़्यादा सॉल्ट यूज़ करते हो तो इससे आपकी फ़िश और ज़्यादा सिक हो सकती है। दोस्तों सॉल्ट ऐड करने के बाद फिर आप अपनी फ़िश को इंट्रोड्यूस कर सकते हो उस एक्वेरियम में, जिसमें आपने हॉट वाटर और सॉल्ट की ट्रीटमेंट की है। दोस्तों इस प्रोसेस को आपको कंटिन्यूसली 7 to 8 डेज आपको करना है, तभी आपकी फ़िश क्योर हो पाएगी। और 7 से 8 दिनों के अंदर आपको एवरी डे 25% पानी चेंज करना है, और जब चेंज कर दो 25% पानी, उसके हिसाब से आपको उसमें सॉल्ट डालना है। तो आप ध्यान रखिए, आप हर दिन 7-8 दिन आप अपना एक्वेरियम का पानी 25% चेंज कीजिए, और उसी के हिसाब से 25% पानी चेंज करने के हिसाब से आप एक्वेरियम सॉल्ट डालिए, जिससे आपकी फ़िश बहुत जल्दी क्योर हो पाएगी। दोस्तों उस ट्रीटमेंट के दौरान आप ना भूलिए कि आप आपके एक्वेरियम या फिर आप एयर फिल्टर या फिर एयर पंप आप लगाइए, क्योंकि इस प्रोसेस को करते वक्त आपके एक्वेरियम का जो ऑक्सीजन है वो चला जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एक एयर पंप या फिर एयर फिल्टर आप ज़रूर रखिए। और एक आप मेन बात का ध्यान रखिए, जब आप एक्वेरियम सॉल्ट डालते हो तो तभी आप कभी भी आप उसमें मेडिसिन ना डालिए, क्योंकि जब आप एक्वेरियम सॉल्ट प्लस मेडिसिन जब आप डालते हो तो इससे आपके एक्वेरियम का जो ऑक्सीजन है वो ब्लॉक हो जाएगा, और आपकी फ़िश को सांस लेने में दिक्कत होगी। अगर आप एयर पंप या फिर एयर फिल्टर लगते हो तो भी आपकी फ़िश ब्रीद नहीं कर पाएगी। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आप मेडिसिन और सॉल्ट कभी एक साथ ना डालें, या तो आप सॉल्ट का इस्तेमाल कीजिए या फिर मेडिसिन का। अब कैसे आप मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हो मैं वो भी आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अगर 7 दिनों तक या फिर 8 दिनों तक आप प्रोसेस करते हो तब भी आपके फ़िश पर से वाइट स्पॉट्स नहीं जा रहे, तब आप अपने मेडिसिन से आपकी फ़िश को क्योर कर सकते हो। तो आप कैसे अब मेडिसिन यूज़ कीजिए करें, जब सॉल्ट से भी हॉट एंड सॉल्ट वाटर ट्रीटमेंट से भी आपकी फ़िश के वाइट स्पॉट्स नहीं जा रहे, तब आप मेडिसिन का यूज़ कर सकते हो। तो कैसे मेडिसिन का यूज़ करें दोस्तों, आपको एक्वेरियम में शॉप में एक मेडिसिन मिलता है टी वाइट स्पॉट, ये आप अपने एक्वेरियम में डाल सकते हो, जिस और डेली 25% पानी आपको चेंज करना है, और उसी के हिसाब से फिर से आपको वो मेडिसिन यूज़ करना है। वो आपको पर गैलन 2 ड्रॉप्स डालना है दोस्तों, पर गैलन 2 ड्रॉप्स आपको मेडिसिन डालना है, और जो उस मेडिसिन का नाम है टी वाइट स्पॉट, उस मेडिसिन का नाम है। और जैसे कि मैंने कहा आपको डेली 25% पानी चेंज करना है। दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया है, वाइट स्पॉट्स कैसे हो जाते हैं, इसके सिम्टम्स क्या है, और आप इस ट्रीटमेंट कैसे आप कर सकते हो और कैसे आप अपनी फ़िश को बचा सकते हो वाइट स्पॉट डिजीज से। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाएं, और कमेंट करना मत भूलिए। जितना मुझे कमेंट करेंगे उतने इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं लाते रहूँगा। दोस्तों हम जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ़।